नमस्ते दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से, पत्थर से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से? तो इसका जो सही जवाब है वह है पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मकान पक्की ईंटों से बनाते थे और यह पहली सभ्यता थी जिसने पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। ये कुछ तस्वीरें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग कितनी बड़ी मात्रा में किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हड़प्पा? इसका जो सही जवाब है वह है हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो आइए हम इसको नक्शे में देखते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका लोथल जो भारत के गुजरात में है, यह है आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है दिल्ली के पास, यह है कालीबंगा और ये रहा हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध है? चीन, श्रीलंका, इराक, ग्रीस? तो इसका जो सही जवाब है इराक। इराक में जिस समय भारत में सिंधु सभ्यता थी उस समय वहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया के साथ भारत के यानी उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। ये रहा सिंधु सभ्यता का क्षेत्र, ये रहा मेसोपोटामिया। इराक आजकल यहाँ पर है, उस समय मेसोपोटामिया का केंद्र यही था। उस समय मेसोपोटामिया के साथ व्यापार जल मार्ग से होता था और साथ ही स्थल मार्ग से भी होता था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्वविद का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम, व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर कनिंगम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। व्हीलर 40 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की लिपि को पढ़ा था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थल में हुई थी, हड़प्पा सिंधु सभ्यता की मूल स्थली है, हड़प्पा से सिंधु सभ्यता विषय में विशेष जानकारी प्राप्त हुई। इसका जो सही उत्तर है वह है सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, यानी ऑप्शन बी। कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम सहानी ने। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस प्रकार से वैदिक सभ्यता से भिन्न थी? इसके पास चित्र लेखन लिपि थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था अथवा उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। वैदिक सभ्यता का काल 1500 BC से 500 BC तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता की लिपि कौन सी थी? वो थी देवनागरी लिपि। वो कैसी सभ्यता थी? तो वो ग्रामीण सभ्यता थी और वहीं हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा काल के लोग लोहे के विषय में उतने परिचित नहीं थे, लेकिन वैदिक काल के लोग लोहे के विषय में अच्छी तरह से परिचित थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में आती है? प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल अथवा अर्ध ऐतिहासिक काल? का सही उत्तर होगा अर्ध ऐतिहासिक काल। बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की तो इसका काल 3000 ईसा पूर्व से पहले का माना जाता है। बात करें अर्ध ऐतिहासिक काल की तो इसका काल 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस समय थी? तो वो इसी काल में थी। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था? तो वो था 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। बात करें ऐतिहासिक काल की तो ये 600 ईसा पूर्व के बाद का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता? हाथी, बैल, घोड़ा या भेड़? तो इसका सही जवाब होगा घोड़ा। हमें हड़प्पा की मुहरों पे हाथी भी मिलता है, बैल भी मिलता है
और भेड़ के भी चित्र मिलते हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी घोड़े के चित्र नहीं मिलते। इससे विद्वानों का कहना है कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। यह है एक मोहर जिसमें हाथी का चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पर यह कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसी कारण इसको एक रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। अगर आपसे परेशान पूछा जाए किस लिपि को रहस्यमयी लिपि कहा जाता है, तो आप हड़प्पा लिपि को कहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? रोपड़, कालीबंगा, पाटलिपुत्र, लोथर। तो इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। रोपड़ भी हड़प्पा से संबंधित है, कालीबंगा भी हड़प्पाई स्थल है और लोथल भी, लेकिन पाटलिपुत्र जैसा हम जानते हैं यह ऐतिहासिक काल से संबंधित है, मतलब यह 600 BC के बाद अस्तित्व में आया था और हड़प्पा सभ्यता का काल 1900 BC में समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? रहमानधेरी, मांडा, बुरझूम, बालाकोट। तो जैसा हम जानते हैं रहमानधेरी वर्तमान पाकिस्तान में है, बांडा जम्मू कश्मीर में है, बालाकोट भी वर्तमान में पाकिस्तान में है और बुरझूम ये भारत में है, लेकिन यह सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है? ये आदि मानवों से संबंधित है। यहाँ पर क्या था, बुरझूम में पुराने समय में लोग गड्ढों में रहा करते थे। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कहाँ पे लोग गड्ढों में रहा करते थे, तो उसका उत्तर होगा बुरझूम। तो आइए, ये रहा आपका मांडा जम्मू कश्मीर में, ये रहा आपका बालाकोट जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध में है, और ये रहा रहमानधेरी। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।